हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। और पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं अपने घर नहीं हूँ। जो लोग कंटिन्यूस मेरे व्लॉग और नीति दी के व्लॉग्स देखते हैं, उन्हें तो पता ही होगा डेफिनेटली कि ये मेरा घर नहीं है। एक्चुअली मैं नीति दी के घर आई हुई और मैं कल आई थी। गौतम मनाई मुझे छोड़ के गए थे, तो वो ऑफिस निकल गए थे और मुझे यहाँ छोड़ दिया था दीदी के घर पर, क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो फिर प्लान मेरा था कि मैं शाम को चली जाऊँगी, बट फिर मैंने सोचा ये ऑफिस से आते टाइम हमें ले जाएंगे, बट इनको ऑफिस में हो गया लेट और फिर बारिश भी हो रही थी, तो फिर मैं दीदी के ही रुक गई। तो अभी नेक्स्ट डे है और शायद 11:30 या 12 बज रहे हैं, टाइम पता नहीं, देखा नहीं मैंने। तो अब बस ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और मैं और परी निकल रहे हैं। कैब बुक कर दी मैंने, कैब से जा रही हूँ मैं, क्योंकि गौतम मैंने ऑफिस जा चुकी हैं और जी उसको भी कहीं जाना है, काम है, वरना वो छोड़ देते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर के लिए, निकल रहे हैं। परी नीचे ही अपनी मासी के पास, मैं अपना सामान लेने आई थी, तो मैं भी जाती हूँ। मैं और परी घर पहुँच गए थे और परी ने कैब में बिल्कुल शांति से, वो तो इसकी खासियत है कभी बैठ ही नहीं सकती। फिर आके मैंने परी को नहलाया, इसको सुला दिया और इसको सुलाते सुलाते, मतलब ये इसको नहलाया तो उससे पहले ही मैं नहा ली थी, क्योंकि मुझे पता था मैं इसको सुलाऊंगी तो सो जाऊंगी और ऐसा ही होता है। आती पहले मैं नहाई थी, फिर परी को नहलाया, इसको सुला रही थी, इसको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। और मैंने फेस में मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ नहीं लगाया था एज इट इज। तो अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं माँ बेटी, और अभी 5:30 हो रहे हैं। तो अभी तो आलू उबालने के लिए रखे हैं, आलू सब्जी बनाएंगे क्योंकि और कोई हरी सब्जी है नहीं। मैंने मेरे लिए चाय बनाई और चिप्स फ्राई किए, थोड़ी सी भूख लग रही है। और परी को मैंने एप्पल्स दिए खाने के लिए, परी अपने एप्पल्स खा रही है। परी एप्पल कहाँ है आपके, दिखाओ कहाँ है एप्पल। ये रहा परी का बाउल जिसमें परी के एप्पल है, ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दिए परी ने। और अब इसको दिख गए चिप्स और चाय, तो इसका शुरू हो गया। क्या है परी, वो परी क्या है, वो कप में क्या चाय का है परी। मेरी चिप्स और ये रही मेरी चाय। और अब इसका पूरा इरादा है चाय के पास जाने का और चिप्स के पास जाने का। इसने सेब तो रख दिए साइड में। नहीं बेटा ताता, क्या है परी ये, क्या है ये। नहीं ताता ताता, पीछे होके बैठो, चलो मम्मा की है ये। हाँ चिप्स ले लो, आप चिप्स खा लो। पहले ही हो चुकी है काफ़ी, तो अभी मैंने चावल बनाए हैं मीठे वाले थोड़े से, और आलू के पराठे बनाए हैं गौतम बना के लिए, जो कि लंच में भी लेके जाएंगे, ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। तो अभी आपने देखा आगे क्लिप, गौतम मना पूजा कर रहे थे। तो एक्चुअली आज मावस है, तो वो मावस निकाल रहे थे। हमारे घर में मावस हमेशा ही मम्मी पापा करते हैं, और मम्मी पापा नहीं अवेलेबल होते हैं तो भैया भाभी करते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम ही होगा जहाँ तक मुझे याद है कि गौतम ने की होगी मावस की पूजा वगैरह ऐसे। उसका रीज़न ये है कि जो पापा जी हैं, मतलब मेरे ससुर जी, वो थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब है, तो हॉस्पिटल गए हैं मम्मी के साथ, भैया लेके गए हैं मम्मी पापा को, थोड़े से टेस्ट वगैरह लिखे हैं डॉक्टर ने, तो वो कराने हैं। तो सुबह जल्दी चले गए थे, सोनिया हॉस्पिटल में गए हैं ताकि मतलब जल्दी नंबर वगैरह आ जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, नहीं तो पूरा दिन हॉस्पिटल में ऐसे ही चला जाता है। वैसे आज गौतम ने मावस निकाली, तो बस अब वो निकल गए हैं वैसे पूजा वूजा करके, ब्रेकफास्ट करके। आपको आवाज़ आ रही होगी, मैंने मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं, परी की राइम्स चला दी, अभी सो के उठी है ये, आज के लिए लेट ही उठ रही है, 9:30 हो रहे हैं अब उठी है। तो बस इसको कुछ खिलाती हूँ, ब्रेकफास्ट कराते हैं इसको, कपड़े धुल जाएंगे तब तक फिर इसको नहलाते हैं और बाकी का काम करते हैं। और एक और चीज़, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ आप क्या कहें नारियल की चटनी बताएं,
कि आपने नारियल की चटनी कैसे बनाई थी। तो अभी थोड़ा सा ओरली आपको आइडिया दे देती हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या होता है, मैंने एक दो बार रेसिपीज़ वगैरह डाली हैं तो आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते उस चीज़ में, तो फिर मैंने बंद कर दी। लेकिन काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैं ओरली बता देती हूँ। जो हमारा रॉ नारियल होता है ना, कच्चा नारियल होता है जिसमें पानी निकलता है, उसकी चटनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। वैसे आप जो मतलब गोड़ा होता है पका हुआ नारियल उसकी बना सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तो आपको करना क्या है, कच्चा नारियल लेना है, मूंगफली लेनी है, सेम प्रोपोर्शन में ले लो आप दोनों को, मिक्सिंग ग्राइंडर में डाल दो, उसमें आप थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दो अगर आपके पास है तो, ऑप्शनल है बिल्कुल ये, मैं तो ये करती हूँ। दो तीन लहसुन की कलियाँ डाल दो, अगर आपको दो दिन तक ही खानी है चटनी तो आप आधी प्याज भी डाल सकते हो, और आपको लगता है एक हफ्ते तक आपको चलानी है वो, तो आप फिर उसमें प्याज ना डालें। उनको ग्राइंड कर लो अच्छे से, पेस्ट बना लो बिल्कुल, फिर राई का, कड़ी पत्ते का, और एक लाल मिर्च होती है जो बड़ी वाली सूखी लाल मिर्च, उसका छौंक लगा लो बस, और उसमें फिर वो जितना भी आपने चटनी पीसी थी वो डाल लो उस छौंक में, रेडी हो जाती है। नमक डाल लो अपने इच्छा अनुसार, जितना आपको नमक पसंद है। बहुत से लोग इसमें चने की दाल और तुअर की दाल भी ऐड करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ, सिंपल ही अच्छी बन जाती है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आई है तो मैं ट्राई करूँगी। ऐसे मेरा कच्चा नारियल अभी भी रखा हुआ है एक, तो ट्राई करूँगी कल अगर बनाई मैंने तो मैं ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मैं जस्ट अभी परी को लेके दूध की थैली लाई हूँ, क्योंकि आज मावस थी तो आज दूध भी नहीं आया, और परी के लिए खीर बनानी होती है मुझे, परी के लिए खीर भी बनानी होती है, और मुझे भी चाय कॉफ़ी सुबह से कुछ भी नहीं ली है। तो अभी सो के उठे थे मैं और परी, 4:30 बज रहे हैं। तो पहले तो मैंने गौतम मन्ना से पूछा फ़ोन करके कि दूध आसपास कहाँ मिलता है, क्योंकि मैं कभी नहीं जाती हूँ बाहर, यहाँ पे मतलब हमारे जो आसपास का एरिया मैं नहीं जाती हूँ वहाँ पे। और पीछे परी के कपड़े सूख रहे हैं, अभी धूप तो निकली है, खैर बाहर डालूंगी सारे कपड़े, सुबह तो बारिश हुई थी हल्की फुल्की। तो दूध लाई हूँ और साथ में परी के लिए चिप्स का पैकेट लाई हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे अभी से परी को क्यों चिप्स खिला रहा है, तो मैं ऐसे परी को चिप्स नहीं खिलाती हूँ। जैसे वो टीवी वगैरह देखती है या रुकती नहीं है ना, तब उसको 2 या 3 चिप्स दे देती हूँ। मतलब उसका एक 5 रुपये वाला जो चिप्स का पैकेट होता है वो कम से कम 5-6 दिन चलता है, तो मैं उसको ये चीज़ सब चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। और सुबह चावल बनाए थे भोग के लिए, मावास का इन्होंने भोग लगाया था, तो वो चावल बचे रखे हैं, तो मेरे को लगा मैं उनमें छौंके लगा देती हूँ, क्योंकि फीके चावल थे, मीठा फिर अलग से ऊपर से डाला था, तो फिर मैं क्या छौंक लगा के टमाटर प्याज वगैरह का, और जैसे फ्राई होके थोड़े से तवा, क्या बोलते हैं, तवा पुलाव जो भी बोलते हैं, वो बना रही हूँ। और दूध गर्म करने के लिए रखा, फिर अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। परी बैठ के अपना माशा और द बियर देख रही है, अब राइम्स हो चुकी है पुरानी, तो अब अमेज़न पर उसके लिए माशा और द बियर चला रखा है, तो बैठी देख रही है। ये रहे चावल, कढ़ाई में तेल, और ये दूध गर्म हो रहा है, ये प्याज, ये टमाटर, एक शिमला मिर्च पड़ी थी ये भी डाल लेंगे। चाय रेडी है और पुलाव भी रेडी है। ये रही परी मैडम, ये रही मेरी चाय और पुलाव। ओके, तो फाइनली आई एम रिवीलिंग समथिंग, और बहुत दिनों से मन था आपके साथ शेयर करूं, बट कुछ चीज़ें रह गई थी तो नहीं शेयर कर पाई थी। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पहले ये चीज़ देखिए। तो आपने देखा, और जिसे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा होगा या जो नहीं समझ पा रहा होगा, ये लिखा हुआ है जोक। जोक होता है जो हम मजाक या मतलब जोक सुनाते हैं हम, वो होता है JOK, ये है ZOK ही। तो ये है मेरे ब्रांड का नेम, यस मेरा ब्रांड नेम है जोक, जो कि बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और कुछ अलग करने की सोचा है अब की बार, स्टार्टिंग में बहुत डर भी लगा था, गौतम मन्ना भी बोले तू कैसे मैनेज करेगी, और दीदी भी बोली कि नहीं हो पाएगा परी के साथ, यूट्यूब पे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं कर पाती है। मैंने बोला नहीं करूँगी, बट इस पूरी जर्नी में ना सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है संजू जियोसा का, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जियोसा वाले तू तो सोच मत, तू तो कर ले, तेरा जो मन है ना, तू चाहती है कुछ करना तो स्टार्ट कर दे बस। फिर गौतम मन्ना ने भी बहुत हेल्प की कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो हेल्प करते हैं ऐसे, लो परी लो खाओ। तो भगवान की कृपा से सब सही हो गया है, और फॉर्म रजिस्टर हो गई है, ब्रांड लोगो आ गया है, ब्रांड नेम आ गया है, GST वगैरह सब हो गया है।
बट अभी इस व्लॉग में मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं किस चीज़ का, हाँ मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ बट आपको ये नहीं बताएंगे कि किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक या दो व्लॉग रुकना पड़ेगा और सॉरी फॉर दिस। मैं चाहती थी कि मैं आपको सब चीज़ें बता दूँ बट अभी नहीं बता सकती हूँ कि किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, क्या है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या है, वो सब भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो जैसे आपने आगे बनाए रखा है। प्रेयर करो कि सब कुछ अभी तक जो हुआ सब सही हुआ है, आगे भी सब सही हो। तो भगवान की कृपा से गणेश जी का नाम लेके स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं है कितना मैनेज कर पाऊँगी कितना नहीं, बट होप कि सब मैनेज हो जाए अच्छे से। फिर आप लोग तो हो ही सब सपोर्ट करने के लिए। अब मैं मेरी चाय और पुलाव ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो परी पूरी ये देखो ऊपर चढ़ के बैठ गई और इसको ये कि ये इसको हाथ लगा, नहीं ताता 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 ताता। तो पहले ख़त्म कर लेते हैं फिर आप सही। अभी नीतू दीदी और जियोसा आए थे, एक्चुअली वो लोग किसी काम से आए थे एक नंबर के साइड, तो फिर मेरे घर पर भी आ गए, मेरे घर से पास ही पड़ता है एक नंबर। तो परी का वॉकर रखा था तो मैंने बोला रिद्धि अब थोड़ी सा ना ट्राई करती है चलने का, तो फिर मैंने बोला परी का वॉकर ले जा, बाद में रुद्र के लिए नया मंगा लेना। तो फिर वो वॉकर दिया है, परी का रखा हुआ था। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।